क्या कंप्लेंट है? इसका ये कि 3 दिन से जो है ये बिल्कुल वोमिटिंग एक तो बहुत ज्यादा कर रही है, ग्रीन येलो टाइप की इसकी वोमिटिंग होती है, और खाना बिल्कुल भी नहीं खा रही है। लिक्विड भी हमने दे के देखा है, यखनी भी दी है, उसके अलावा जो है वो जो शांडा भी दिया था वो भी नहीं पी रही है। थोड़ा सा योगर्ट इसने लिया और ट्रीट, उसके बाद दोबारा से इसे वॉमिटिंग हो गई थी, और बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, येलो और ग्रीन टाइप की स्टूल किस वॉमिटिंग, तरह का है? ठीक और वो नॉर्मल कर रही है। है, खाने में क्या दे रहे थे इसको? बस ट्रीट इसने खाई है, उसके अलावा इसने यखनी ली है, वो भी इसने वॉमिट कर दी थी। ठीक है, कब से लास्ट खाना इसने कब खाया है? इसने लास्ट रात को खाया था और सुबह थोड़ा सा दिन खाया, बस वो भी बिल्कुल माइनर सब, बिल्कुल एक दो बार इसने बस चखा है और ठीक बिल्कुल है नहीं खाया, अभी तक इसने कुछ नहीं खाया। ठीक है मैम, अभी के लिए सिचुएशन ये है कि आपकी किटन का टेम्परेचर बहुत ड्रॉप है, ठीक है, नॉर्मल इनका होना चाहिए 102, इसका है 98, ठीक है, और ऑल ड्रॉप होने के चांसेस हैं क्योंकि एनिमल आपका डिहाइड्रेटेड है, वीक है। इस तरह के जानवर जब हाइपोथर्मिया के अंदर चल रहा होता है उसके अंदर सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होते, ठीक है, तो हम आपको इसमें बहुत ज़्यादा होप नहीं दे सकते, बट जिसमें जो ट्रीटमेंट की जो चीज़ है वो क्या होगा कि अभी इसको ड्रिप लगेगी, ठीक है, ताकि इसका फ्लूड थेरेपी करें ताकि फ्लूड इसके पूरे हों, हाइड्रेशन स्टेटस थोड़ा बेहतर हो, इसके अलावा जो भी इसको फोर्स फीडिंग है थोड़ी बहुत करेंगे, और वॉमिटिंग के लिए मेडिसिन जो स्पॉटिव मेडिसिन है अभी देख रहे हैं कि पता नहीं इसने कब से खाया, इसके सारे मसल्स ख़त्म हो गए हैं, थाई के मसल ख़त्म हो गए हैं और सारी इसकी जो है ना हड्डियाँ निकल आई हैं, अब ये सारा आप देखें ये थाई के ना मसल होते हैं ख़त्म हो गए, हड्डी है सिर्फ यहाँ पर, ठीक है, तो वो उसकी बॉडी अपना मसल ख़त्म कर करके इसको ज़िंदा रख रही है, ठीक है, तो उसको हमने थोड़ा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे, बट फिर भी जो इसके अंदर हाई होप्स ना रखिएगा, पर अपनी हम इंशाल्लाह बेस्ट कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह के हाथ में जो भी है। ठीक है, ठीक शायद एक ट्राई, क्या नाम है मैडम? अच्छा जी, इस तरह की सिचुएशन के अंदर जो सबसे मुश्किल लम्हा होता है कि आप इसकी आईवी लाइन पास कर लें, क्योंकि इतना एनिमल डिहाइड्रेटेड छोटा है उसको आईवी लाइन पास करना है, बट अभी वो स्टेप हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी के लिए हमारी जो अप्रोच होगी वो ये है कि हम इसको फ्लूइड थेरेपी करें, बट टेम्परेचर सब नॉर्मल होने की वजह से हमें इसको पानी जो है फ्लूइड जो देना उसके बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक देना है, कम नहीं दे सकते कि ताकि फर्दर ड्रॉप ना हो जाए एनिमल का टेम्परेचर, और ड्रॉप होगा तो शॉक में जा सकते हैं, उसके लिए यहाँ तो ड्रिप गर्म करते हैं या फिर यहाँ से एक बाउल रख के उसमें पानी गर्म रख के उसके अंदर से फ्लूइड लगाते हैं ताकि जब आए टेम्परेचर नॉर्मल होता जाए, भी इसको डेक्सट्रोज वगैरह लगेंगे, मल्टीविटामिन लगेंगे, तो इंशाल्लाह दुआ करें कि ये जल्दी रिकवरी की तरफ आए, और अगर कोई बंदा इसके लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।